गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू एस मैथ्स अकेडमी। मैं आपका दोस्त अरविंद सुमन। दोस्तों, आज वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गए क्योंकि आज का शेड्यूल काफ़ी बिजी था, उसके लिए तो सॉरी। और दोस्तों, आज 1 तारीख थी, यानी 1 सितंबर था। उस डेट में आज हमारे बहुत से दोस्तों का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत से दोस्तों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मेरी बिल्कुल सलाह है कि आप इन क्वेश्चंस के टॉपिक से रिलेटेड ही तैयारी करें तो वो काफ़ी अच्छा होगा। टाइम आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है, तो कोशिश करें कि टॉपिक इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप तैयारी करते जाए, तो श्योर है कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये सारे जीके के क्वेश्चंस हों मैं आपके साथ इनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और दोस्तों, जिनका हो चुका है प्लीज़ वो अपने आंसर जरूर मैच कर लीजिए। और उसके बाद बता दूं दोस्तों कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से दोस्तों मेरा बेनिफिट नहीं है, और मेरा बेनिफिट है भी तो आपका भी बेनिफिट है। ऐसा नहीं कोई मेरा बेनिफिट ही, आपका भी बेनिफिट है दोस्तों, क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसके साथ साथ यदि आप बेल आइकॉन के साइन पर क्लिक करते हैं तो मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि मैंने न्यू कौन सा वीडियो अपडेट किया है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक पहले से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट, जो नंबर फर्स्ट था दोस्तों, उसका क्वेश्चन था हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। यानी इनका आंसर ये तो बहुत इजी आंसर था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, पंचमणी किस जिले में आता है। ये भी बहुत अच्छी जगह है, घूमने के लायक जगह है दोस्तों, सभी ने देखी हुई होगी, होशंगाबाद जिले में आते हैं पंचमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो दोस्तों, 9वें राष्ट्रपति जिन्होंने भोपाल में जन्म लिया उनका नाम क्या था। उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपातकाल कौन लागू कर सकता है, यानी देश में आपातकालीन की स्थिति के लिए कौन घोषणा करता है, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, आंसर है इसका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है। यह है देहरादून में। ठीक है दोस्तों, देहरादून भी काफी अच्छी जगह है, देखने लायक है, कभी टाइम मिले तो जरूर जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, PJ कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC 2016 का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है। इसका आंसर है दोस्तों, R अश्विन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। और मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। 1985 में हुई थी, यानी 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम न्यू पेमेंट बैंक का नाम क्या है। इसका नाम है एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम कुलदीप नायर पुरस्कार किसे मिला। इसका आंसर है ऋषभ कुमार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो राज्यों के बीच थी। इसका आंसर है दोस्तों, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। इसका नाम है दोस्तों, चेनानी नासरी टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। इनका नाम है मरियम्मा कोसी, मरियम्मा कोसे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके लिए। आज 1 सितंबर के पेपर में जो आए थे क्वेश्चन, उसका आंसर है दोस्तों, उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। इसका आंसर है शंख घोष जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाले किस कारण होते हैं, हमारे मुंह में जो छाले हो जाते हैं वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। तो दोस्तों, अब मैंने बता दिया कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी बिल्कुल दुआएं हैं आप सबके साथ कि आप सभी का MP कॉन्स्टेबल बहुत अच्छे से पेपर जाए। और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।
जब तक के लिए नमस्कार, आपका दोस्त अरविंद सुमन एस मैथ्स अकेडमी देवा से। दोस्तों यदि आपको कुछ तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।